इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड को अज्ञात आरोपी द्वारा पीछे से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। बाणगंगा थाना के कुछ मीटर दूरी पर आरोपी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले देशराज भदौरिया पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। देशराज रोड किनारे मृत अवस्था में मिला। पहले लोगों का कहना था कि एक्सीडेंट हादसे में मौत हुई है, लेकिन डॉक्टर ने जब प्राथमिक रूप से जांच की तो पीठ पर धारदार हथियार से 3 बार नजर आए। मृतक के मकान मालिक का कहना है कि वह करीबन 12 वर्षों से यहां रह रहे हैं। काफी साधारण सा व्यक्ति है, किसी से भी कोई विवाद नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आई है। बर्थडे ड्यूटी आना जाना था उनका, सुबह 8 से शाम को 8 नाची फूड कंपनी में। अभी शाम को करीब 8:15 बजे के आसपास मेरे को खबर लगी कि उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो मैंने उनके नंबर को कॉल किया, किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जो भैया यहाँ से उठा के लेके गए थे ना, मनोज करके नाम लिया हॉस्पिटल के लिए, उन्होंने मेरे को रिटर्न कॉल किया। उन्होंने बताया वो रोजी जी के एक्सीडेंट नहीं हो गया है और मैं अरविंद लेके आया हूँ। मैं वापस अरविंद पहुँचा हूँ, मैंने पता किया, मैंने डॉक्टरों ने मतलब उनको बोला कोशिश कर दिया, लेकिन बाद में जब पीआई साहब पहुँचे यहाँ से तो उन्होंने बोला उनकी गोली दिखाओ, गोली देखी गई अब तो उसके पीछे पीठ पर घाव। मेरे यहाँ पे तो करीब 10-12 साल से रहे। क्या क्या कामकाज करते थे? सिक्योरिटी गार्ड थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मुलता ही बहराइच जिले के। किसी से कोई विवाद पुराना? नहीं, कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। अच्छा, जिसने कुछ मारा उसके बारे में जानकारी लगी? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं लगी। और पूछताछ करने के बाद उसमें थोड़ा छानबीन करने का पता चला कि उसको ये चाकू के वार पीठ पे पाए गए हैं। घायल व्यक्ति हैं जो फिर बाद में थोड़ी देर बाद, जैसे कि मैंने बताया कि वो ख़त्म हो चुका था। प्रारंभिक अभी जो जांच में भी तथ्य सामने आया है कि उस व्यक्ति का नाम देशराज सिंह भदौरिया है, जो नॉटी फूड्स करके बाणगंगा क्षेत्र में एक कन्फेक्शनरी आइटम्स की कंपनी है, वहाँ पर कार्यरत है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। और वहाँ पर से आज वो 8 बजे अपनी शिफ्ट ख़त्म करके निकला था। उसके बाद से कुछ जो लोग उसको जो वहाँ पर भर्ती कराए हैं वो सर्वे में कराए थे कि शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी प्रारंभिक जांच पर फिलहाल हमें इतना पता चला। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर से मृतभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृतभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।